महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है, जिसकी गिनती भारत में सबसे धनी एवं समृद्ध राज्य में की जाती है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र भारत के सबसे विकासशील राज्यों में से एक है। आज हम जानेंगे इस राज्य के 10 सबसे बड़े शहर के बारे में, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है नांदेड़। नांदेड़ महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है और जिले का हेडक्वार्टर भी है। ये 10,502 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये शहर अपनी महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। वही नंबर 9 पर आता है अमरावती। अमरावती महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित एक नगर है। अमरावती जिले का हेडक्वार्टर भी है। ये शहर 183 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये इंद्र देवता के रूप में फेमस है और इसे इंद्रपुरी भी कहा जाता है। वही नंबर 8 पर आता है सोलापुर। सोलापुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। ये जिले का हेडक्वार्टर भी है। सोलापुर अपने टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में चमड़े उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ धागे की बुनाई, बीड़ी, सिगरेट जैसे उद्योग भी है। नंबर 7 पर आता है नवी मुंबई। नवी मुंबई को मुंबई के जुड़वा शहर के रूप में 1972 से विकसित किया जा रहा है और ये विश्व के सबसे बड़े नियोजित शहरों में से एक है। नवी मुंबई लगभग 163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वही नंबर 6 पर आता है औरंगाबाद, जिसको अभी छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। ये मराठवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। ये शहर अपने कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क फैब्रिक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इस शहर में 52 दरवाजे मौजूद है, इसी कारण इसको सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। वही नंबर 5 पर आता है नासिक। नासिक महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है। यहाँ का सबसे प्रमुख भाग पंचवटी भाग है। इसको वाइन कैपिटल यानी शराब की राजधानी भी कहा जाता है। वही नंबर 4 पर आता है थाने। थाने महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। ये शहर 147 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये उल्लास नदी के मुहाने पर मुंबई के पूर्वोत्तर में स्थित है। ये रसायन, इंजीनियरिंग एवं वस्त्र औद्योगिक केंद्र है। वही नंबर 3 पर आता है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। नागपुर महाराष्ट्र का उपराजधानी भी है। नागपुर को देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर का इनाम मिला है। नागपुर भारत का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट सिटी है। ये शहर संतरे के लिए काफ़ी मशहूर है, इसलिए इसको ऑरेंज सिटी यानी संतरा नगर भी कहा जाता है। वही नंबर 2 पर आता है पुणे। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा और भारत का छठा सबसे बड़ा शहर है, जो मूला और मूठा इन दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। ये भारत में सबसे बड़े आईटी क्षेत्र में से एक है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग केंद्र में से भी एक है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। वही नंबर 1 पर आता है सपनों का शहर मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा और यहाँ का राजधानी शहर भी है। मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ये 310 बिलियन डॉलर के साथ भारत का सबसे अमीर शहर है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।